मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, या स्पीकर गलत काम कर रहा है, तो मेंबर तो रेस करेगा। चीफ मिनिस्टर को चेंज करने के लिए अगर मेजोरिटी मेंबर्स नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। उसके बाद स्पीकर को रिमूव करने के लिए, वो क्योंकि इलेक्शन हाउस में होता है तो उसका प्रोसीड्यूर है, इसका अंदर में वो नोटिस दे करके उसको नोटिस दे, 14 डेज का मिनिमम नोटिस होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे में या सेकेंड नेक्स्ट डे में उसका रिमूव होता है। तो वो 2 मंथ से भी ज़्यादा था तो उसको प्रिपोन करना पड़ा गवर्नर, क्योंकि सिचुएशन बहुत गंभीर था। 2 मेंबर को अनसीटेड कर दिया जो उनको नहीं सपोर्ट कर रहा था CM को। तो वो बात हम लोग ने पहले आपके सामने रखा, चीफ मिनिस्टर के घर में 60 मेंबर्स को बुलाया गया था, बुला करके रात को ब्लैंक पेपर में साइन करने दिया उसका सपोर्ट में, उसको लेटर टाइप करके रिजिग्नेशन में कन्वर्ट कर दिया, रिजिग्नेशन में कन्वर्ट करके 2 को अनसीटेड कर दिया, और 14 मेंबर्स का अभी भी पड़ा हुआ है उनके पास। तो वो केस पड़ा हुआ है तो उसने केस भी इनिशिएट नहीं किया, तो उसके वजह से गवर्नर को प्रिपोन करना पड़ा। और उनके अगेंस्ट में एलिगेशन था मोलेस्टेशन का, पूरा देश दुनिया में चला था, वो जो वीडियो चला था आपका यहाँ में गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो सब सारा इश्यूज उनके यहाँ में आया, इसलिए गवर्नर को प्रिपोन करना पड़ा। तो ये विद इन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, फिर भी जो इंटरप्रिटेशन है जो जजेस लोग है एक्सपर्ट लोग वो करता है, हम लोग उसको ऑनर करते हैं। उसमें क्योंकि अभी कोर्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो कमेंट दिया है जजमेंट दिया, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, जो कि एक्सपर्ट लोग है तो उसको आगे देखेंगे उसको। क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चन किया मैं आपको बताता हूँ, जो जजमेंट का आप ऑपरेटिव पार्ट लास्ट वाला देख लीजिए। नंबर 1 जो क्वेश्चन किया है, जो जजमेंट दिया है, फर्स्ट प्रीपोनिंग ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डर्स को सेट किया है, क्वेश्चन किया नंबर 1। नंबर 2 मैसेज जो गवर्नर ने दिया है उसको क्वेश्चन किया, सेट किया। नंबर 3 15-16 का असेंबली का प्रोसीडिंग्स, और उसमें जो प्रोसीडिंग्स में जो डिसीजन हुआ था उसको क्वेश्चन किया, सेट किया। तो लास्ट में जो दिया है नंबर 1, 2, 3 को दे करके लास्ट में बोला है स्टेटस को एंट्री देते। इसका मतलब ये है कि प्रोसीडिंग्स में जो हुआ था स्पीकर को रिमूव किया था। स्पीकर रिवाइव होता है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, स्पीकर रिवाइव होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। मैं इसलिए बोला क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रिमूवल वो 15-16 असेंबली सेशन से नहीं हुआ है, नंबर 1 मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। क्योंकि 16 को मेरे को हाउस ऑफ द लीडर चुना गया था, मैं और लेना था, वो लोग ने रास्ता बंद कर दिया, तो हम लोग और नहीं ले सका, तो फिर यहाँ कोर्ट में आ गया कि मैंने बेंच कर दिया। हम लोग जुडिशरी को मानता है, लोगों को मानता है, हम लोग ने वेट किया 2 मंथ्स तक। उसके बाद गुवाहाटी में केस आया, तो गुवाहाटी में आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जजमेंट दिया आपका 1 मंथ के बाद 13 जनवरी को। वहाँ भी वो 15-16 का जो प्रोसीडिंग को वैलिड ठहराया, स्पीकर का रिमूवल CM का रिमूवल को वैलिड ठहराया, तो हम फिर वोट ले सकता था, हम बन सकता था, लेकिन वो लोग ने सेम डे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर लिया। तो हम ऑनरेबली हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग चार्ज नहीं लिया है, हमने वोट नहीं लिया, एज्यूम नहीं किया। तो अभी आप देखो वो 13 गुवाहाटी हाईकोर्ट से भी CM आउट नहीं हुआ था उस समय, असेंबली सेशन 15-16 से भी CM आउट नहीं हुआ था। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, और भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, तो प्रेसिडेंट रूल हुआ है, PR वहां में मैंने इम्पोज हुआ है। प्रेसिडेंट रूल होने के बाद 26 जनवरी को प्रेसिडेंट रूल हुआ है, 19 फरवरी को रिवोक हुआ है। रिवोक होने के बाद मैंने लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां में, तो हम लोग ने 32 मेंबर्स पैरेड करके गवर्नर का सामने पैरेड करके हम लोग ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए हम लोग ने अपील किया गवर्नर का सामने, इसलिए हम लोग को 19 फरवरी को कॉल किया है, और 10 डेज का हम लोग को टाइम दिया कि मेजोरिटी प्रूफ करो हाउस में, हम लोग ने 7 डेज में प्रूफ किया। तो वो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन से तुकी साहब आउट हुआ है CM, नॉट बिकॉज ऑफ दैट 15-16 असेंबली प्रोसीडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ 13
गुवाहाटी हाईकोर्ट जज में, तो यहां वो रिवाइव नहीं हो सकता है। लेकिन ये हम लोग फाइटिंग करते रहेगा तो फिर गलत होगा वो, कि हम लोग उसको मान जाए चलो फ्लोर टेस्ट करो। तो ये अभी फ्लोर टेस्ट आएगा, वो जो भी डिसीजन होगा फ्लोर में होता है। तो इसलिए फॉर्म लीगली बोलने से अभी भी हमारा कैबिनेट है, स्पीकर है, क्योंकि उससे रिवाइव नहीं हो सकता है वो, गवर्नमेंट रिवाइव नहीं हो सकता, स्पीकर रिवाइव हो सकता है फॉर श्योर पीरियड। सो वन थिंग, आफ्टर उत्तराखंड नाउ अरुणाचल, डू यू थिंक दैट देयर इज अ क्लैश बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी इन द डेमोक्रेसी? वो हम नहीं कमेंट करेगा, क्योंकि वो जुडिशियरी और इसका एग्जीक्यूटिव का बात है, तो वो एक्सपर्ट लोग उसमें व्यू देंगे अपने। There is no chance of change in party and loyalty, because now we are binding with the PPA. Now we are legally PPA member, so we cannot shift again to Congress. So for that, again 2/3 is required to shift any other party. Look, so the number will remain. Yeah, we are whole 30 members are here only. Look, the question which you have put forward is very valid. This has been the inherent problem of any political parties when formation takes place like this, regarding change of allegations, allegiance. But the question here is very, you know, hypothetical, I should say. And no hypothetical question can be answered. But as far as we are concerned, on behalf of Honorable Chief Minister, we can say that our group has been always intact, and today also is intact. There is no question of any change of our loyalty here. So therefore, you can take everything, you know, mind and rest that we are going to go on the floor. And, well, we respect the judgment of the Honorable Supreme Court. So therefore, we believe that Mr. Tukey has won legally his position. But we, going back to modern, we are democratically again we will win.